हैं और मारा और हमारे जबरदस्त एकेडमी स्कूल के बच्चे कैन बी अराउंड अप्लॉज फॉर देम। चलो जल्दी, अरे चलो ना, चलो चलो, ये इसमें आ जाएंगे, लगेगा ये, चलो प्रेम भर लेला डांस सर। अरे क्या हुआ बेटा? असलम सर, असलम सर, मराठी और श्री रितेश देशमुख यांच्या तरफ पण प्रेम असतं प्रेमासारखंच। कॅन आय रिक्वेस्ट द लीडर टीम टू क्लिअर द डायस प्लीज, कॅन यू स्टेप डाऊन प्लीज। ये मौका जब ऐसे महान हुआ हमारे साथ है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। असलम भाई यहाँ पर है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और इतने नमस्कार एवरीवन, हाउ आर यू, अमेजिंग टू बी एट कलाज मस्ती। सो यार सच नहीं है, मैं 12th फ्लोर पे रहती थी और ये काफी बार आई डोंट हियर यू इकडे सिक्युरिटी चांगली फोटो ले जा रहे हैं। आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है बराज मस्ती। असलम भाई जो हमेशा ऑर्गेनाइज करते हैं, दिसंबर का महीना होता है जहाँ पर हॉलीडे सीजन शुरू हो जाता है, और आई थिंक इट्स ए ग्रेट इनिशिएटिव कि हर संडे यहाँ पर यहाँ के लोग आकर इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर असलम भाई tries to entertain them, tries to give them lot of opportunities to express themselves. I think it's a great platform and मुझे लगता है चलिए मेरा ये सौभाग्य है कि आज हम यहाँ पर पहले संडे पर आए हैं, और जब असलम भाई को पता चला कि वेड फिल्म रिलीज भी हो रही है तो उन्होंने कहा आप यहाँ पर आइए, हमसे मिलिए और वेड का प्रमोशन भी कीजिए, तो यस उसके लिए भी आया था। बहुत बहुत शुक्रिया असलम भाई का कि उन्होंने यहाँ पर हमें बुलाया, और ही इज अ डियर फ्रेंड, वी हैव नोन ईच अदर फॉर वेरी वेरी लॉन्ग एंड आई एम सो हैप्पी, वी आर सो हैप्पी टू बी हियर। एब्सोल्युटली, या सो आई थिंक वेट फॉर मी इज अ वेरी इज अ डिफरेंट फिल्म, ट्रूली अ डिफरेंट फिल्म। मतलब हूएवर फील्स लाइक ही नोज मी इज ऑलवेज लाइक बबली, इज दिस दैट, दिस इज अ वेरी इज अ कैरेक्टर विद अ लॉट ऑफ टेरर, एंड आई थिंक आई एंजॉयड प्लेइंग इट, आई एम ग्लैड दैट रितेश कास्ट मी इन इट। जो है पब्लिसिटी के लिए लोग आएंगे, लेकिन मैं चाहता था कि ये महाराष्ट्र और मराठी फिल्मों को ज़्यादा प्रविधान मिले और ज़्यादा चले। आप देख सकते हैं पिछले 2 सालों से अच्छी मराठी इंडस्ट्री ने पिक्चरें निकाली है, और मैं देशमुख साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं और बहुत ही अच्छी उन्होंने ये फिल्म बनाई है, और इनके जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो मेरे साथ ही रहते हैं, तो मैं तो उनको भी साथ में बुलाना था लेकिन आगे पीछे हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर। जल्दी उठा सर जी, 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 सर जी,
बाद ये जो मस्ती जो फन जो एकता की जो साथ में फन करने की चीज है इतना अच्छा लग रहा है देख के यार क्या ही बात है। याद रखे अपने आगे वाले को दबा मत देना नहीं तो एम्बुलेंस की जरूरत। साल है इट्स सो गुड टू सी एवरीवन टुगेदर हैविंग फन यू नो दो साल से हमने ये चीज मिस करी है हम सब ने आई थिंक उसके बाद इस साल सारे वापस इकट्ठे होके खुशी मनाते हैं एंड आई थिंक एंजॉय करते हैं एंड द नेम जस्टिफाइज इटसेल्फ मस्ती आई थिंक हम सबके अंदर होती है और हमको हर दिन वो चीज एकदम खुल के करनी चाहिए। बहुत प्यार है मैंने इनको देखा है कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया है और मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बताता हूँ। जो आप इन लोग के लिए करते हैं बस दिल से ऐसे ही करते रहिए मैं आपको यही बोलूंगा और उम्मीद है हमारे आइए भाई आइए एक बार। थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर असलम शेख जी और मैं ये सामने बिल्डिंग है रुस्तम जी कहीं 3-4 साल पहले उनके साथ ही रहता था ऊपर थे और मैं नीचे थे बहुत प्यार है बहुत सारा उन्होंने काम किया अच्छा मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है और आज मुझे बुलाया गया है मालार मस्ती यहाँ पे जबकि मैं कल ही रात को आया हूँ मैं गया था भोला की शूटिंग के लिए बनारस और धन्यवाद और बोलूँगा कि ये जो मस्ती है और ये बेसिकली जो इन्होंने बीड़ा उठाया है बोले तो ये सीजन है ना अपुन इसके प्यार में एकदम हीड़ा हो गया ये सर्किट बताना इसको कि अपुन सीजन को कितना प्यार करता है। सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया मैं काफ़ी पहले भी इसके कुछ साल पहले भी आने की बात चली थी लेकिन मेरी शूटिंग की वजह से आ नहीं पाया था और यहाँ मुझे आना था और आज आया तो जो एनर्जी मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ कमाल की ऑडियंस है आप देख रहे हैं काफ़ी धूप भी है अभी लेकिन जो मज़ा यहाँ पर आ रहा है ऑडियंस को और जो एक एनर्जी है यहाँ की बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे और मैं शुक्रगुजार हूँ असलम भाई का कि उन्होंने यहाँ पर इन्वाइट किया इतनी अच्छी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला आई एम ग्रेटफुल। मुझे लग रहा है आज वर्कआउट नहीं हुआ है आपका मैं खुद भी यहाँ साइकिलिंग के लिए आता हूँ असलम भाई थैंक यू सो मच यहाँ बुलाने के लिए मस्त आपका धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े इतना ज्यादा क्राउड मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि इतने सारे लोग आते हैं सुबह सुबह इतने एक्टिव है वो और इतना प्यार करते हैं कि मतलब मैं सोचा ही नहीं कि इतने सारे लोग भी मुझे जानते हैं यहाँ पे और मैं बाजू में ही रहता हूँ गोरेगांव में यहाँ मैं मलाड में आया हूँ इतना क्राउड है मैं बहुत खुश हूँ बहुत ज़्यादा। Well, doing all the color show, all the fans are very excited, especially with Jhalak. Jhalak अभी recently हुआ है, क्या लगता है, कैसा रहा experience? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था झलक में और मैं अगर कोई भी रियलिटी शो कर रहा हूँ तो मैं यही बोलता हूँ या कहीं पे भी कोई भी प्रोजेक्ट करता हूँ तो बस मेरा एम और मेरा मोटिव यही होता है कि लोग मुझे प्यार करें। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि ये जो मलाड का बैक रोड है मैं चिंचोली में रहता हूँ था मतलब अभी एक साल से मैं लोखंडवाला शिफ्ट हो गया और आज बहुत अच्छा लगा कि जहाँ पे मैं डेली रनिंग करने आता था और आज यहाँ पे मलाड मस्ती जो एक शो हुआ जो एक प्रोग्राम होता है जिसमें सब लोग आते हैं असलम भाई कराते हैं तो मुझे आज परफॉर्म करने का मौका मिला मुझे बहुत अच्छा लगा। टेन है वो जिस तरीके से मोबाइल कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना इन्वॉल्व हो रही है कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि उनके हेल्थ पे कितने इश्यूज आ रहे हैं।
आपने देखा होगा मीडिया में कई रिपोर्ट्स आई है कि बहुत सारे लोगों के विजन का प्रॉब्लम आ रहा है, मेंटल का प्रॉब्लम आ रहा है, उनको स्ट्रेस के लेवल से, यंग बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है, अटैक्स हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों से हटा के वो